हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे। सो कल का वीडियो आपने देखा था कि मेरे हस्बैंड आए थे और हम लोग गए थे फिर नाइट में चौपाटी, और फिर हम लोग आए थे रात को 11 बज गए थे घर आने में, फिर सोने में 11:30 बज गए थे। फिर अभी हम लोग उठे हैं 7:30 बजे और हमको निकलना है जल्दी, क्योंकि गाँव में हमारे आज नौशेरा है तो वहाँ पर भी काम है। इसलिए फिर आप फटाफट से नहाते धोते हैं और मैं कुछ खाऊंगी नहीं, क्योंकि भूखे पेट ही होता है काम पहले, कुछ भूख भूख लगता है इसलिए। और ये है इनके लिए नाश्ता बनाएंगे और बिट्टू है तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। Hey guys, welcome back to my mama's channel. तो गाइस, अभी बिट्टू रेडी हो गई है और ये देखिए इसको पहना है ब्यूटीफुल सी ड्रेस। चले बाय 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 कुछ बाय बाय। हे गाइस, तो अभी मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, मैंने पहना है रेड कलर का सूट और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे घर। बिट्टू सो बता। बिट्टू ना पैसे दो। तो गाड़ी जाना कोई नसों ही हुई तो वहाँ सो ही नहीं था सुबह से। हाँ अब बिट्टू द लोड बोट मम्मी अच्छी लग रही ना फ्रॉक बिट्टू की? बहुत अच्छी लगी। नानी से सुंदर फ्रॉक लेके आया बिट्टू के लिए। उसको सुलाया भैया। बिट्टू उसके बाद फिर मम्मी ने करी इनके जुआरी और बिट्टू के तिलक, और ये एक रिचुअल्स होते हैं हमारे राजपूतों में कि जब भी जवाई घर आते हैं बेटी विदा होती है तो उसकी इस तरीके से जुआरी करी जाती है। और इस टाइम पे बिट्टू को आ रही थी बहुत भयंकर वाली नींद, तो वो बस सोए जा रही थी। मम्मी सुंदर सा ये गिरेगा, तो भयंकर मोटा तिलक ये गिरेगा नीचे। ठीक है कोई खूब ही खिलायो, आप तो खिलाने में कमी रख दी क्या? बड़ी कमी तो लग रहा है, रहेगी कैसे वहां पे? अभी पूरे कपड़ों पे लगेगा। मम्मी नहीं क्या रंग दिया पूरा ही। किसको खिलाऊंगा मैं बेटा? तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे घर और हैप्पी हैप्पी जाएंगे, नो रोना धोना। अब कहाँ गए वो? तो गया पति का होगा, बोलो फिर पति गिल गया। तो गाइस अभी बस हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है, अभी 11:30 बज गए हैं घर से निकलते निकलते ही, और हमको बुलाया था जल्दी बट घर से निकलने में टाइम लग जाता है। सो आई एम नॉट ड्रामेटिक, तो मैं नहीं रोने वाली हूँ क्योंकि मम्मी का फिर दिमाग खराब होता है। रोने सोने करने के लिए पत्थर दिए थे। बाय। बाय। उसके बाद फिर घर से जस्ट निकलते ही मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, क्योंकि मम्मी पापा के सामने इमोशनल नहीं होना था मुझे, क्योंकि फिर क्योंकि ना गाइस मतलब मम्मी पापा के सामने ऐसा दिखाओ कि यस वी आर सो हैप्पी, ताकि वो लोग वहाँ पे खुश रह सके। और अगर मैं उनके सामने रोती तो मम्मा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते, वैसे भी वो रोने लग गए थे, बट मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया तो सब कुछ मैनेज हो गया। अभी हम लोग पहुँच गए हैं खेजरोली, और अभी यहाँ से 10 मिनट का रास्ता हो रहा है हमारे गांव पहुँचने का, और बहुत तेज़ गर्मी और धूप पड़ रही है, और
बिट्टू भी सो गई है वापस से। तो गाइज अभी हम बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि पहले हमें बोला कि आराम से आ जाना, देन अब वो बोल रहे हैं कि 12 बजे पहले आना था, तो इस वजह से थोड़ा सा ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इसलिए हम लोग लेट हो गए। तो अभी हम लोग पहुँचते हैं गांव और अगर पॉसिबल होगा तो मैं वहाँ का वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज नहीं, क्योंकि वहाँ पर गाँव की औरतें भी होंगी, इसलिए अगर पॉसिबिलिटी लगी मुझे तो मैं वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूँगी। हम लोग घर पहुँचे थे, तब तक खाना वाना सब कुछ बन चुका था, हम एक्चुअली लेट हो गए थे इस वजह से, और 12 बजे हम लोगों को पहुँचना था क्योंकि कुछ पूजा करनी होती है, बट हम लोग पहुँचे थे 1:30 बजे। तो आज के जीवन में था कड़ी लापसी और रूम रोट। लेट मी इंट्रोड्यूस, ये है हमारे मासी सा और ये है हमारे भुआ सा। तो ये लोग भी कर रहे थे जीवन, और बाहर गांव के सब काकी साहब भाभी साहब सब लोग आए थे, तो वो लोग भी कर फिर सबने खाना वाना खाया, और उसके बाद फिर गाए गीत, और गीत गाने के बाद मतलब देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं आज के दिन, और फिर सब लोगों ने लगाई मेहंदी। तो जो नौसेरा होता है वो होता है कि जो बच्चा होता है ना घर में, उसका उसके नाम पे भैरू जी के नौसेर लापसी बनाई जाती है और भोग लगाया जाता है, और फिर गाँव के काकी साहब भाभी साहब मतलब औरतें होती हैं उन सबको जिमाया जाता है और परिवार वालों को जिमाया जाता है। तो जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको बता दिया। आज के सारे वीडियोस बनाए थे गुन्नू भाई साहब ने, क्योंकि गाइस थोड़ा सा ना गांव के बड़े बड़े लोग मतलब काकी साहब भाभी साहब के सामने वीडियो बनाना थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। आज हमारे भैरव जी मानसी का हमारे पोती का मेहंदी लगा रहे हैं। तो ये है हमारे काकी साहब जिन्होंने भी सब कुछ बताया आपको, और ये हमारे सबसे प्यारे मासी साहब, और ये है यश बना। और ये है हमारे भाभी साहब जिनकी कुछ दिन पहले तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बट अभी वो ठीक है। फिर बस हम लोग भी निकलने वाले थे हमारे घर के लिए, तो फिर मैं दादी साहब के और सब लोगों के पगे लगी। हमारे साथ छोटा बच्चा था इसलिए फिर हमको आना था घर पे, तो मम्मी जी ने बोला कि तुम लोग जाओ मैं सुबह आऊँगी, तो इसलिए फिर मैं सबके पगे लगी और सबसे आशीर्वाद लिया। ये सब हमारे दादी साहब काकी साहब भाभी साहब बड़े मम्मी ये सब लगते हैं, और एक एक के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर दादी साहब ने बिट्टू की नज़र की बत्ती करी थी आते टाइम, क्योंकि वो होता है ना छोटे बच्चे अगर जगह चेंज करते हैं तो बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, इस वजह से कि बिट्टू रोए नहीं, इसलिए फिर दादी साहब ने बत्ती करी थी। बाय 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 मैं बिट्टू और बिट्टू के पापा हम लोग जा रहे हैं हमारे घर श्री माधोपुर। अभी कितने बजे रात 7 बजे। ये हमारा गांव। बिट्टू गाड़ी चला रहा है। बिट्टू बाय। तो गाइस अभी बिट्टू उसके पापा के साथ गाड़ी सीख रही है चलाना। बिट्टू रानी का घर आ गया। डॉलर वो देखो वो देख रहा, ऊपर से देख रहा है।
पूरा डोले पूरा डोले तो गाइस हम लोग आ गए हैं। तो गाइस बिट्टू फाइनली बिट्टू अपने घर आ गई है और ये पहले तो पूरे घर को देखी है बहुत अच्छे से और फिर इसका बचपन वाला फेवरेट टॉय इसको मिल गया है जिससे ये अभी खेल रही है और अभी भी ये थोड़ी सी ना अपसेट है। आज पूरे दिन से अपसेट थी पूरे, मतलब हम लोग जब गांव गए थे वहाँ भी बहुत अपसेट हो रही थी क्योंकि इसको इसके नाना नानी सा की बहुत याद आ रही है। नीनू करा दो इसको, नीनू करा दो। डैडी डैडी क्या बोल रहा है? डैडी नहीं अपने को पापा बोलना है। सो गाइस दिस इज माय रूम। तो गांव में हमने लेट ही खाना खाया था इस वजह से फिर घर पे आके मैंने बनाए चावल और कढ़ी और छाछ। वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सुबह बाय, टेक केयर।